अस्सलामु अलैकुम, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और मेरे खरीद के लिए भी दुआ करते होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको वीडियो बना के दिखाने वाली हूँ। बहुत प्यारी सी पेंटिंग है जो कि मैंने फेविक्रिल स्पार्किंग पीरियल कलर से ये पेंटिंग बनाई है और मैंने दोनों कलर का कलर मिक्स किया है। फैब्रिका कैमल फैब्रिका एक्रेलिक कलर भी यूज़ किया इसमें और पीरल कलर भी यूज़ किया इसमें। दोनों कलर हमने यूज़ करके इस पेंटिंग को बनाया है। तो अभी मेरे पास पूरे कलर नहीं थे, मेरे पास थोड़े ही कलर थे, तो मैंने उससे ही कलर पेंटिंग बताई है। इंशाल्लाह मैं जल्द ही जाने वाली हूँ मार्केट, तो लेके आऊँगी तो आपको और भी वीडियोज़ बना के दिखाऊँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने रोज़ फ्लावर ड्राइंग की है। पहले मैं एक फ्लावर बहुत ही स्लो में बना रही हूँ ताकि आपको क्लियर समझ आए, आगे की वीडियो मेरी फास्ट हो जाएगी। तो आप इस फ्लावर को ध्यान से देख लीजिए कि किस तरह से मैं बना रही हूँ, ताकि अगर आप भी ड्रा करना चाहते हैं तो इसको आराम से ड्रा कर सकें। तो आप देख चुके होंगे कि हमने रोज़ फ्लावर को किस तरह से बनाया है। इस तरह से हम अपने हिसाब से लीफ कली ज्वाइन करते चले जाएंगे। ड्राइंग हमने पहले से की कर रखी है बुक पे, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि हमने ट्रेस पेपर ऊपर रखा हुआ है। ट्रेस पेपर पे हम डिज़ाइन को ड्रा कर रहे हैं, पहले हम उसको बुक पे करते हैं, इसलिए कि कभी अगर हमारे बनाने में मिस्टेक हो जाए तो उसको हम रिमूव करके दोबारा से उसको सही कर सकें। तो इसके लिए हम उसको बुक पे पहले बनाते हैं। जब हमारी डिज़ाइन क्लियर हो जाती है, सही से बन जाती है पूरी, तो उसको हम जिस पे कन्वर्ट करना चाहें उस पे कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर आप चाहते हैं ट्रेस पेपर पे कन्वर्ट करना, बहुत काफ़ी दिनों के लिए रखना चाहते हैं या फिर कई डिज़ाइनें बनाना चाहते हैं, तो उसको आप ट्रेस पेपर पे कन्वर्ट कर लें, वरना आप बुक से ही पेज निकाल के उसको ऐसे ही डायरेक्ट कपड़े पे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं ट्रेस पेपर पे कर रही हूँ क्योंकि मुझे हमेशा ज़रूरत लगती है, तो इसके लिए हमने यहाँ पर ट्रेस पेपर पर इसको कन्वर्ट कर रही हूँ। और कन्वर्ट करने के बाद इसको मैं कपड़े पर कन्वर्ट करूँगी, उसके बाद इसकी पेंटिंग करूँगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस तरह की और भी बहुत सारी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप देख रहे हैं हमारी हर डिज़ाइन को देखते रहें। हम आपको अच्छी से अच्छी डिज़ाइन बताते रहेंगे और आपको अच्छी से अच्छी डिज़ाइन मिलती रहेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग हमारी डिज़ाइन पूरी हो चुकी है फ्रेंड्स, और इस तरह से हमारी डिज़ाइन कम्प्लीट हो चुकी है। इसको अब हम कपड़े पर कन्वर्ट करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करिएगा। अगर मेरे यूट्यूब चैनल से आपको कोई भी डिज़ाइन पसंद आती है, अगर आप उसे मंगवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें, आपको कोई भी डिज़ाइन मिल जाएगी। आप मुझसे कांटेक्ट करके सारी डिटेल्स ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले हमने कपड़ा, उसके बाद कार्बन, तीसरा नंबर पर हमने रखा है ट्रेस पेपर। तो जितनी भी लाइनिंग है आप ध्यान से उसको ड्रा करें। यहाँ पे पेंसिल से ड्रा करना है, पेंसिल से करने पे जितनी हमारी डिज़ाइन रहेगी क्लियर कपड़े पे आ जाएगी। तो हम एक एक लाइन को ध्यान से दोहराएंगे ताकि हमारी जो डिज़ाइन है वो कपड़े पे पूरी तरह से आ जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लावर पहले आप डंठल कर लें, फिर लीफ कर लें। इस तरह से आपको पूरा याद रहेगा कि आपने क्या क्या किया है। पहले आप डंठल पूरा कर लें, उसके बाद फ्लावर कर लें छोटे डिज़ाइन के लिए, और अगर बड़ी डिज़ाइन है तो आप नीचे एक तरफ से करते जाएं और ट्रेस पेपर को कार्बन को बढ़ाते जाएं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने वीडियो को फास्ट कर रखा है ताकि आपको बोर ना लगे, आपको समझ आ जाए कि किस तरह से करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कहीं कहीं मैं भूल गई हूँ, तो उसको फिर से दोबारा से दोहरा रही हूँ ताकि हमारी डिज़ाइन क्लियर और पूरी बन जाए। यहाँ पर लीफ भी मैं भूल गई हूँ, यहाँ पर लीफ देखिए हो गई, और इस तरह से हमारी डिज़ाइन पूरी हो चुकी है। अब मैं आपको इसकी पेंटिंग बताऊंगी। तो इसमें आज मैंने कैमल फैब्रिका का एक्रेलिक कलर भी यूज़ किया इसमें मैंने लीफ वगैरह के लिए, क्योंकि मेरे पास ग्रीन कलर नहीं था और वैसा कलर भी नहीं था कि मैं उसको ग्रीन कलर को बना लेती, तो इसलिए मैंने सिर्फ फ्लावर में जो है कि पीरियल कलर का यूज़ किया है ताकि आपको दिखा सकूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने तरकस ब्लू कलर लिया हुआ है, वाइट कलर लिया हुआ है, और इसमें हम ग्रीन कलर भी ऐड करेंगे, लाइट ग्रीन। अभी मैं दिखा रही हूँ आपको, तो सब जगह नहीं, थोड़ा थोड़ा हमें यूज़ करना है। और इस तरह से लाइनिंग करेंगे।
अगर आप इसको स्किप करना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। इसमें मैं ग्रीन कलर भी ऐड करूँगी और कहीं कहीं तरकस ब्लू और वाइट का, सबका तीनों कलर का मिक्स करके यूज़ करूँगी। अगर आप दो कलर का यूज़ करना चाहते हैं तो दो कलर का यूज़ कर सकते हैं, जैसे लाइट ग्रीन हुआ और वाइट कलर हुआ, इन्हें दोनों कलर का आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप सैप ग्रीन भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे सैप ग्रीन ले सकते हैं, वाइट कलर ले सकते हैं, आपको जो ग्रीन पसंद है वो कलर ले सकते हैं। वाइट के साथ जो भी कलर यूज़ करें, वाइट के साथ करें, तभी आपका जो है हाईलाइट होकर दिखेगा, अच्छा दिखेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तीनों कलर को हम कहीं कहीं मिक्स करके लगाएंगे इस तरह से, लाइट ग्रीन, वाइट, टर्कस ब्लू, तो सारा कलर हम इसी तरह से लगाते जाएंगे और पेंटिंग को बनाते जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी लीफ भी, सॉरी हमने कली की जो हरी हरी छोटी सी लीफ होती है उसको मैंने बना रखा है, और इस तरह से डंटर पे मैं यहाँ पे दोहरा रही हूँ क्योंकि कलर थोड़ा छिपा सा दिख रहा है, तो इसके ऊपर मैं ये ग्रीन और वाइट लगा रही हूँ ताकि कलर थोड़ा उबड़ा हुआ दिखे। और इसी तरह से हम अपनी जितनी भी हमारी लीफ हैं, डंठल हैं, कली की डंठल हैं, जो भी है उसको हम इस तरह से पहले बना लेंगे ताकि हमारी डिज़ाइन क्लियर हो जाए, सिर्फ फ्लावर हमारा रह जाए जिसको हम आराम से कलर भरेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले हम कली वाला जो पार्ट है हमारा उसको हम भर रहे हैं, बना रहे हैं ताकि एक चीज़ क्लियर हो जाए, उसके बाद हम लीफ बनाएंगे, उसके बाद फ्लावर बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी डिज़ाइन मंगवानी है मेरे या आपको कोई भी डिज़ाइन पसंद आती मंगवाना चाहते हैं तो मेरे कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉन्टेक्ट करें, आपको डिटेल्स दी जाएगी। अगर आपको डिज़ाइन मंगवाना है तो आप मंगवा सकते हैं, बेझिझक मंगवा सकते हैं, हम डिज़ाइन को बेचते हैं, जिसको चाहिए वो मंगा सकता है। बेडशीट वगैरह जो हम ऑर्डर पे बनाते भी हैं, अगर आपको बनवानी है तो आप बनवा भी सकते हैं। तो लीफ के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे जो है लाइट ग्रीन है उसको पहले फिल किया है, उसके बाद उसमें थोड़ा थोड़ा ये तरकस ब्लू कलर का ऐड करूँगी बहुत लाइटली, और यहाँ पे किनारे से हमने वाइट कलर का शेड दे रखा है, और इसी तरह से हम किनारे थोड़ी थोड़ी सी नुकीली पत्तियाँ बनाएंगे जिससे हमारी पत्तियों की खूबसूरती बढ़ जाएगी। ये देखिए, यहाँ पे हमारा कलर थोड़ा लाइट दिखने लगा था क्योंकि कपड़े में काफ़ी घुल चुका था, कपड़े में जाके बिल्कुल मिल गया था, तो दोबारा से हम कलर को उस पर लगा देंगे ताकि हमारा कलर ज़्यादा उठ के दिखे, हाई लाइट हो। इस तरह से हम कलर को दोबारा लगा देंगे तो हमारी लगभग डंठल कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें थोड़ी सी हमारी दो तीन जो लीफ बची हैं उसको हम बनाएंगे। फ्लावर आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है, और इसकी पेंटिंग भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बनेगी। अभी आप देखना, यहाँ से आप देख सकते हैं ग्रीन कलर को हमने पहले भर लिया है, उसके बाद इस तरह से आप देख सकते हैं इसको वाइट कलर लिया है कॉर्नर पे हमने, इस तरह से कटिंग थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की कटिंग कर देंगे, इस तरह हमारी लीफ रेडी हो जाएगी। ऊपर भी हमारी दो तीन लीफ बची हैं उसको हम बना लेते हैं। कलर हमारा थोड़ा पतला है क्योंकि हमने इसमें बेडशीट के लिए थोड़ा सा पानी ऐड किया था, तो ब्लैक कलर के लिए हमें, ब्लैक कलर पे अगर हम पेंटिंग करते हैं तो उसमें पानी ऐड नहीं करना है ज़्यादा। अगर हम पानी ऐड करेंगे तो हमारी पेंटिंग जो है वो बहुत बढ़ के दिखती नहीं है, तो इसके लिए जब भी डार्क कपड़े पे कलर करते हैं तो उसमें कलर में ज़्यादा पानी ऐड ना करें, मतलब पानी ऐड ना करें, मीडियम वगैरह का बहुत थोड़ा सा यूज़ करें। वाइट कपड़े के लिए जैसे लाइट कपड़ा होगा तो उसके लिए कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप डार्क कपड़े पे करते हैं तो आपको पानी ऐड नहीं करना है। अगर हम
डार्क कपड़े पे करते हैं तो हमारा कलर बहुत लाइट रहता है और कपड़े में जाके मिक्स हो जाता है और हमें पता नहीं चलता है, तो उसको हमें दोबारा से फिल करना पड़ता है, तब जाके वो हाईलाइट होके दिखता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी आप देख सकते हैं पेंटिंग रेडी हो चुकी है लीफ की। और अब हम आपको फ्लावर करके दिखाते हैं, तो सबसे पहले कलर बता देते हैं। आप देख सकते हैं हमारा फैब्रिका कैमल फैब्रिक का एक्रेलिक कलर है, और ये दूसरा जो हमने आपको दिखाया है ये हमारा है फेविक्रिल स्पार्किंग पीरल कलर। तो यहाँ पे हमने कलर को दोनों कलर को लिया है, और इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा स्पार्किंग कलर लिया है पीरल वाला, और इसको दोनों कलर को एक दूसरे के साथ मिक्स कर दिया है। और इसी तरह से हम अपने फ्लावर की पेंटिंग करेंगे इसी से। अभी देखना कितना खूबसूरत इसका कलर आएगा, शाइनिंग आएगी इसमें से, काफ़ी अच्छा शाइन कर रहा है लगाने के बाद। वीडियो में शायद नहीं दिख रहा हो लेकिन बहुत ही प्यारा है, सामने से काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है। अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो ट्राई कर सकते हैं, आपको खुद समझ आ जाएगा कि कितना खूबसूरत लग रहा है, एकदम शाइन कर रहा है कलर, और पेंटिंग भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं पहले हमने वॉलेट कलर का नीचे से लगाया, ऊपर की तरफ से हमने नॉर्मल कलर जो हमारा होता है वाइट कलर का शेड दे दिया है, और पेंटिंग काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। तो सारी कली में हम इसी तरह से कलर लगाएंगे। ये हमारी रेडी हो चुकी है कलियाँ, और अब हम फ्लावर करेंगे। तो चलिए हम आपको फ्लावर थोड़े स्लो मोशन में दिखाएंगे, स्लो में दिखाएंगे ताकि आपको आराम से समझ आए कि किस तरह से बनाया है हमने। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, तो हमारी जितनी भी पंखुड़ियाँ हैं हम उसमें इस तरह से नीचे साइड से अंदर के साइड से कलर को, जो हमारा पीरल कलर हमने मिक्स किया हुआ है वॉलेट कलर में, उसको हम इस तरह से नीचे से शेड देंगे ऊपर की तरफ, और यहाँ पे ऊपर हमने थोड़ा सा खाली रखा है उसमें शेड देंगे वाइट से, इस तरह से वाइट कलर को हम शेड कर देंगे। वाइट थोड़ा हमारा ज़्यादा हो गया है तो इसमें हम फिर से नीचे की साइड से पीरल कलर का शेड दे देंगे। आप जो मिक्स किए उसका भी दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप पीरल कलर का ही दें, जो हमने मिक्स करके रखा है दोनों कलर उसका भी शेड हम दे सकते हैं, क्योंकि हमें थोड़ा सा डार्क करना है, क्योंकि वाइट कलर लगाने के बाद हमारा लाइट हो गया था तो उसको हमें डार्क करना था, तो हम कोई भी कलर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप ये किसी कलर से भी फ्लावर बना सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप वॉलेट कलर ही लो। मैंने बहुत सारे कलर्स बताए थे तो हमने ये कलर का पीरल कलर ला के रखा हुआ था, तो उससे मैं ये पेंटिंग बता रही हूँ। मेरे पास रेड कलर भी था बट मैंने रेड कलर से नहीं बताया, रेड कलर की बहुत सारी पेंटिंग हमने बता रखी थी तो कुछ अलग बनाना चाहते थे, तो इसलिए हमने वॉलेट कलर का अब जो कलर है उसको यूज़ किया और उससे ही पेंटिंग बनाई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से हमें पहले नीचे से पे हमारा जो मिक्स कलर हमने किया था पीरल कलर और फैब्रिका का एक्रेलिक कलर, तो उससे हमें पहले नीचे साइड से शेड देना है और ऊपर साइड से हमें वाइट कलर का शेड देना है। अगर आपका वाइट कलर थोड़ा ज़्यादा हो जाता है तो आप नीचे से फिर से दोबारा से जो हमने कलर मिक्स कर रखा है उससे शेड दे सकते हैं। अगर आपके पास पीरल कलर है, अगर आप उससे डायरेक्ट पेंटिंग नहीं करते हैं तो आप उसको जिस कलर का वो है उसी कलर का आप उसको उसी कलर में मिक्स करके आप उसको थोड़ा लाइटली बना के कर सकते हैं, तो भी आपकी पेंटिंग बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखेगी, जैसा कि मैंने इसमें आपको बताया है। काफ़ी आराम से आप इस तरह से पेंटिंग बना सकते हैं। तो हमने दो पंखुड़ियाँ आपको आसानी से बना के दिखा दी, मतलब बहुत से लोग उसमें दिखा दिया है ताकि आपको समझ आ जाए। तो अब हम थोड़ा वीडियो को फास्ट कर देंगे यहाँ पर, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स हैं जो बोर हो जाते हैं, वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, बीच बीच में मुझसे क्वेश्चन करते रहते हैं, पूरी वीडियो नहीं देखेंगे फिर और कमेंट में कमेंट करेंगे ये बता दो वो बता दो। अगर आप पूरी वीडियो देखते तो शायद आपको पूरा समझ आ जाता कि हमने क्या क्या बताया है बीच बीच में, तो आप पूरी वीडियो देखते नहीं हैं और सिर्फ कमेंट करके पूछना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप पूरी वीडियो देखें। जितना वीडियो देख कर आपको समझ में आएगा तो उतना कमेंट्स में नहीं समझ में आएगा कि क्या बताया जा रहा है क्या नहीं बताया जा रहा है। तो अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे उसमें समझेंगे कि कहाँ पे कौन सा कलर लगा है कहाँ पे क्या बताया गया है, तो वो आपको ज़्यादा समझ आएगा। तो बहुत सारे फ्रेंड्स हैं ब्रश नंबर भी पूछते रहते हैं, तो यहाँ पे हमने 2 नंबर का ब्रश लिया हुआ है। अगर आप बिगनर्स हैं पहली बार पेंटिंग कर रहे हैं, मतलब शुरुआत में आप पेंटिंग कर रहे हैं, तो उसको आप 2 नंबर 1 नंबर का पेन ब्रश का यूज़ करें।
इसका भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे आपसे शायद ना बने। तो आप पेन ब्रश का यूज़ करेंगे तो आप आराम से जो कॉर्नर वगैरह रहते हैं उसमें कलर भरना आसान हो जाता है हमारा, तो कॉर्नर वगैरह आराम से भर लेंगे। ये छोटे फ्लावर हैं इसलिए आप पेन ब्रश का यूज़ करें, बड़े फ्लावर में हम फ्लैट ब्रश का यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको पेंटिंग समझ आ गई होगी, इंशाल्लाह वीडियो को पूरा देखेंगे तो और भी ज़्यादा समझ आएगा कि किस तरह से बनाना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी पेंटिंग अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, साथ ही मेरे वीडियो को शेयर भी करिए। और भी इस तरह से वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना करें। आपको एक से एक डिज़ाइन इस पर मिलेगी देखने के लिए। कुर्ती डिज़ाइन वगैरह मैं आजकल बना रही हूँ, अगर आपको देखना हो तो बना सकते हैं। फ्लावर वगैरह की पेंटिंग भी बताती हूँ, आप अपने हिसाब से डिज़ाइन करके जिस तरह से मैं पेंटिंग करती हूँ उसमें कलर भर सकते हैं और आपको बहुत ईजिली कलर भरने आ जाएगा फ्रेंड्स। और यहाँ पे जो डिज़ाइन मैं एक बार फिर आपसे कहना चाहूँगी कि जो डिज़ाइन मैं बनाती हूँ, अगर आपको उसमें से कोई भी डिज़ाइन चाहिए तो मेरे कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉन्टेक्ट करें, आपको सारी डिटेल्स दी जाएगी कैसे क्या करना है, आप डिज़ाइन को कैसे ख़रीद सकते हैं, अपने घर पर कैसे मंगवा सकते हैं, आपको सब बताया जाएगा। अगर आपको समझ में आता है तो आप डिज़ाइन मंगवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इंशाल्लाह आपको समझ आ गया होगा कि इसकी पेंटिंग किस तरह से की जाएगी। बहुत ही ज़्यादा फ्रेंड्स, ये मैं बता रही हूँ कि सामने से बहुत ज़्यादा खूबसूरत इसकी पेंटिंग लग रही है पीरल कलर की। तो आप पीरल कलर से पेंटिंग ज़रूर करें अपने सूट वगैरह पे, जिस पे भी बनाना चाहते हैं आप उस पर पेंटिंग कर सकते हैं। ये तो डिज़ाइन मैंने ऐसे ही बना के दिखा दी है, अगर आप इसको पीलो कवर पर भी बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। सामने से वीडियो में उतनी क्लियर नहीं दिख रही है, लेकिन सामने से काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। मैं कितनी बार कहूँ कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है। अगर आप इसको ट्राई करना चाहते हैं तो आप एक दो कलर लेके आप ट्राई कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही है इसकी पेंटिंग। तो बहुत ही आप देख सकते हैं कितना आसान है इसे बनाना, और बहुत ही आसान है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी है। तो आप बना सकते हैं अपने सूट पे, दुपट्टे पे, जिस पे भी बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सी है ये डिज़ाइन भी है, पेंटिंग भी है। आप इस तरह से अगर अपने सूट पे भी बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही वीडियो को शेयर करें। फिर आऊँगी मैं इसी तरह से और भी खूबसूरत डिज़ाइन लेकर। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।